ये देखिए मेरा खूबसूरत सा दिखने वाला खट्टा मीठा इंदौरी चूड़ा, नमकीन, इंदौरी दाल मोठ जिसको कहते हैं, ये हमारा बनकर तैयार है। और ये हमारा मेरठ का बहुत ही मशहूर मिक्सचर और लजीज नमकीन बिल्कुल रेडी है आपके खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग क्रश। मैं शबी अली लेकर आई हूँ आज आपके लिए दो तरह की बहुत ही ज़बरदस्त मेरठ की और इंदौर की मशहूर दाल मोठ या नमकीन। ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं। मैंने ये दाल भिगो रखी थी, मैंने इसको सोडे के पानी में भिगो दिया था, जो खाने वाला सोडा होता है उसको मैंने एक चम्मच डाला था, छोटा एक चम्मच मैंने ऊपर में एक चम्मच डालकर मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए भिगो दिया था। चढ़ा दिया है और ये गर्म हो रहा है। यहाँ मैंने दो बर्तन लिए हैं, मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, एक मैंने छोटा लिया है। चलिए क्योंकि हमें नमकीन और खट्टी मीठी दोनों बनानी है तो हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ऑयल सही से गर्म हो जाएगा तब हम बताते हैं। चलिए हम इसमें अपने आलू डालते हैं, तो मैंने ग्रेट करके रखे थे, तेल डालेंगे। उसी तरह अपने सारे पसेपर्स डाल देंगे इसमें, ये हम नमकीन दाल मोठ के लिए, नमकीन दाल मोठ के लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ये हम कटी मीठी नमकीन में नहीं डालेंगे, उसी तरह से हम इसको फ्राई करते रहना है। ये देखिए हमारे पटेटो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे ताकि इनको क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो। ये देखिए हमारी आलू भुजिया बिल्कुल फ्राई हो चुकी है गोल्डन में। इसका निकालने का वक्त आ गया है, इसको निकालते हैं। ये खट्टा एक बार में और जो खुला जाएंगे वो सब खा भी नहीं दीजिएगा। चलिए हमने सारे मिट्टी निकाल दी, हमारी चना दाल फ्राई हो रही। जब तक ये पूरी चना दाल फ्राई होकर ऊपर तैरने नहीं लगती, जब तक ये पूरी तरह फ्राई नहीं होगी, इसकी पहचान है यही, तो इसको हम अच्छे से हिलाते डुलाते फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए हमारी दाल जो है वो लगभग 80% ऊपर आ गई है फ्राई होकर, और 20% अभी भी नीचे है, तो धीरे धीरे फ्राई होकर ऊपर आ जाएगी। चलिए इनको हम निकालना शुरू करते हैं। बहुत आसानी से ये अच्छे से निकल आएंगी। देखिए मैंने सारी दाल जो है वो स्ट्रेन कर ली है, ये मैंने स्ट्रेनर रख रखा है। इसमें भी डालना क्या है, इससे इजली जो है सारा सामान जो है आसान से निकल आता है। ये हमने साबुदाना लिया है, साबुदाना फ्राई कर लेंगे, फ्राई होकर ऊपर आता जाएगा। ये देखिए जिस तरह से आ रहा है फूल फूल कर, ये देखिए जो साबुदाने ऊपर आ गए हैं फूल का, उनको हम नमकीन में डाल देंगे और जो नीचे रहेंगे उनको नमकीन में नहीं डालेंगे क्योंकि वो टाइट हो गए, इसलिए इनको हम दूसरे बर्तन में रख देंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए इनको भी काट लेंगे। चलिए हमने सारे साबुदाने निकाल लिए हैं, रॉ पीनट्स हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। क्वांटिटी चाहिए होगी, हाफ में मीठे वाले में डालूंगी और हाफ में नमकीन वाले में। चलिए फिर से मैं चीजें फ्राई कर,
चलिए हमने कॉर्नफ्लेक्स कर लिए हैं, अब हमें मखाने को फ्राई करने हैं। ये हम सारे कर लेंगे, ये लगभग हमने 50 ग्राम लिए हैं। अब बारी है मेन इंग्रेडिएंट की, चलिए हम डाल देते हैं मैंने चढ़ा दिया है। जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अब सारी इंग्रेडिएंट हमारी हो चुकी है फ्राई, हमें सारा ऑयल निकाल लिया है, अब फिर लगाने के लिए हमने सारा ऑयल निकाल लिया है इसमें से, और सारा ऑयल इसलिए निकाला है ताकि निकाल लिया उसको एक साफ कपड़े से कढ़ाई को साफ कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूंगी, मैं ज्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ। अब हमें इसमें डालना है ये मैंने एक चम्मच सौंफ लिया है, एक चम्मच करी पत्ता लिया है जो मैंने सुखा लिया था, इनको मैं डाल देती हूँ इसमें। बहुत अच्छा तड़का लगाएंगे इसका हम लोग, चटकने लगे हैं। अब हमें डालना है इसमें ये एक चम्मच कढ़ाई भी है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च भी है, और आधा चम्मच नमक डाल देंगे इसमें, चला देंगे। अब हमें डालना है ये चूड़ा, जो हमने कढ़ाई किया था, और गैस को कर दिया है एकदम स्लो, मैंने फ्लेम को कर दिया है एकदम स्लो, और अब इसको करेंगे हम मिक्स। चलिए इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं, ये मैंने चाट मसाला लिया है टच का है, ये मैं डाल देती हूँ इसमें, बस हमको थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। चलिए मैं चाट मसाला इसमें स्प्रिंकल कर दिया है, ये मैंने कुछ किशमिश ली है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है नमकीन में। और मेन इन्ग्रीडियंट इसका जो सेव होता है, मैंने कुछ सेव लिए हैं ये, इसको मैं हाफ इसमें डाल देती हूँ, अगर नमकीन में घाटिया ना हो तो फिर मजा नहीं आता है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारा ये बटर को, अच्छा मिक्स कर देते हैं, हमने फ्राई किया था। ये हमारी बड़ी जबरदस्त नमकीन बनकर तैयार होती हो गई है, चलिए इसको हम निकालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना एक चम्मच घी, हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, हम डालेंगे इसमें एक चम्मच घी,
इतना सारा इंग्रेडिएंट इसमें पोर कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, चलिए इसको चला लेते हैं, मिक्स करते हैं, इसको चलाएंगे। कुछ लोग ऐसे ही सब कुछ मिक्स कर देते हैं, पहले इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम करेंगे इसकी गैस बंद, क्योंकि हमें इससे ज्यादा फ्राई नहीं करना है। डालना है टार्टरिक एसिड ताकि इसका खट्टा मीठा टेस्ट आए। तो ये मैंने टार्टरिक एसिड पीस लिया था, मैंने ले लिया है। और हमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसमें सॉल्ट ऐड करना है, सॉल्ट हमें ज़्यादा नहीं लेना है। बाहर की जो नमकीन होती है उसमें सॉल्ट बहुत होता है, इसलिए मैं सॉल्ट जो है बैलेंस डालूंगी। चलिए अब हम इसमें डालेंगे रेजिंस। ये देखिए मैंने रेजिंस ली है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे। ये खट्टी मीठी है इसलिए ये देखिए हमारी इंदौरी नमकीन बिल्कुल तैयार है। इंदौर में ये काफ़ी कॉस्टली मिलती है। अब हमारी कोई सी इंग्रीडियंट में कितनी ढेर सारी बनकर तैयार हो गई है। थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरा व्यू बन गया है, नमकीन बिल्कुल बनकर तैयार है, जो इंदौर का बहुत ही महंगा मिलता है वहाँ पर, बहुत ही कॉस्टली होता है। ये मैंने झटपट अपने घर पर बनाकर तैयार कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल बना हुआ है, इसमें हर चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये मेरा मेरठ का के साथ नेक्स्ट वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।